कारगिल विजय दिवस के अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा, हमारे सैनिकों ने कारगिल में जो पराक्रम दिखाया वह अद्भुत और विस्मरणीय है। कारगिल में शहीद हुए अमर जवानों को देश श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर एमपी के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने अमर शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कारगिल का युद्ध सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि दुश्मन 18,000 मीटर ऊपर चोटी पर बैठा हुआ था और हमारे वीर जवान नीचे से उनसे युद्ध लड़ रहे थे। हमारे सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया है वह अद्भुत और स्मरणीय है। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस भारत की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और कहा भी गया है कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। और भी कहा गया कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वास्तव में कारगिल का युद्ध इतिहास का सबसे कठिनतम युद्धों में से एक है, जिसमें दुश्मन जो है 18,000 फीट की चोटी पर बैठा था और हमारे सैनिक नीचे से उन आताताइयों का सामना कर रहे थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।